अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग इलेक्ट्रोमैक सॉल्यूशंस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद अदर्स एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट, प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो, डोंट स्किप द वीडियो। फ्रेंड्स, एज यू नो टुडे आवर टॉपिक इज हाउ टू रिमूव द सीलिंग फैन कवर्स। दिस इज सीलिंग फैन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमूव द स्क्रू, दीज थ्री स्क्रू। This tool is called the bottom cover puller. These have six adapters. We'll type them. We'll tie the correct adapter to the bottom cover. Before to remove, we have to draw a line on the upper and bottom cover to engage or to fix it again on the proper place. यू कैन सी कि ये हमारा प्रॉपर नहीं लग रहा, तो हम दूसरे तरीके से इसको खोलने की कोशिश करेंगे। इसके थ्रेड्स जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं, तो भी हम दूसरा तरीका अडॉप्ट करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक इस तरह का कोई बोल्ट या इस तरह की चीज़, और एक ये वुड पीस, ताकि हमारे नीचे से टाइल ख़राब ना हो। हम इसको इस तरह रखेंगे, प्रॉपर फिक्स करके इसके ऊपर, और इसको इसके ऊपर हिट करेंगे, तो इससे क्या होगा कि ये हमारा कवर उतर जाएगा। And you can see ये हमारा रिमूव हो गया। अभी हम इसको ये भी रिमूव करेंगे, इसको थोड़ा ढीला कर लेंगे। अब हम इसको खोलेंगे। इसको खोलने के लिए इसमें से आप हिट करेंगे, और हिट करेंगे इसके एजेस के ऊपर।
आपने जब हिट करना है तो इसके ऊपर हिट करना है, इस जगह पे कहीं अगर हिट होगा तो ये ब्रेक हो जाएगी, ये टूट जाएगा, इसके अंदर सुराख हो जाएगा। आपने इस एज पे हिट करना है इसके अंदर से आपने सही एंगल बनाते हुए, तो इस तरह खुल जाएगा। अभी हम इसकी वाइंडिंग चेक करते हैं कि वाइंडिंग में क्या मसला है। मीटर को हम कंटिन्यूटी के ऊपर सिलेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि इसकी वाइंडिंग, एज यू कैन सी के वाइंडिंग रेजिस्टेंस शो कर रहा है 332, वाइंडिंग ठीक है, ब्लोन ऑफ नहीं है, ये कहीं तार ब्रेक है, किसी के साथ अटैच नहीं है। तो इसको हम खोल लेते हैं यहाँ से। ये हमारे चेन से साफ करेंगे, इसके ऊपर इंसुलेशन होती है। हमने साफ करके इसको लगा दिया है, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। 331 30, ये जो रेड होती है ये दोनों के साथ कंबाइन होती है। एज यू कैन सी ये दोनों को डायरेक्ट जा रही होती है, ये हमारी कॉमन सप्लाई होती है, एक स्टार्टिंग को और एक रनिंग को, ये कॉमन होती है। तो दूसरी हमारी इस तरह है। अभी हम ये भी चेक करेंगे कि कहीं हमारी शॉर्ट तो नहीं है। इसी तरह इधर चेक कर लेते हैं अगेन। देखें अभी हम इसको लगाते हैं और चेक करते हैं बॉडी के साथ। ये सारी आपस में अटैच होती हैं, किसी को भी लगाएं बॉडी के साथ नहीं देना चाहिए। तो अभी ये सही है, जब हम इसको भी फिक्स करेंगे तो इस चीज़ का केयर करेंगे कि ये बॉडी के साथ कहीं भी शॉर्ट ना हो। इसको हम ये स्लीव्स ऊपर लगाते हैं और कवर करते हैं। तो हम इधर से बांध देंगे। अभी हम एक दफ़ा इसको चेक करेंगे। एक तरफ से हाथ में पकड़ सकते हैं, दूसरी तरफ से नहीं। 339 328, ये सही है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारी टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगी। इसका नीचे वाला कवर, इसका ऊपर वाला कवर, कवर को लगाने से पहले जो हमने निशान लगाए थे उनको इन लाइन रखना है। कोशिश करें इस तरह का एक पाइप लें और इसके ऊपर रख के फिट करें। That should be in line. उसके बाद
इसके स्क्रू लगाएं। बाद इसको टाइट कर दें, एक दफा फाइनल फिर चेक कर लें। और बॉडी के साथ भी, बॉडी के साथ मैक्सिमम आना चाहिए, शॉर्ट नहीं आना चाहिए। तो इस तरह हमारा फैन ठीक हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको वेलन टाइम मिल सके। Thanks for watching.